कहती है कि मैंने रसूल किसी नफल की अदायगी के लिए यानी सुन्नत भी असल में नफल नमाज है एक फर्ज होती है एक नफल जो आपने ज्यादा ताकद से पढ़ी उनको सुन्नत करार दे देते और बाकी जो कभी कभार पढ़ी वो नफल हो जाती किसी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आप नमाज फजर से पहले दो रकतों के लिए करते थे जल्दी पढ़ते नहीं थे यानी उसकी अदायगी के लिए आप फिक्र करते थे हजरत आयशा ही से रिवायत है कि नबी सुलुए फजर के वक्त दो रकत नमाज यानी फर्ज की बात है यहाँ आपने दो रकत नमाज पढ़ने की शान के बारे में फरमाया कि इनको पढ़ना मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है आपने फरमाया जो आदमी इशा और फजर की नमाजों में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए अगरचे उसे घिसट के क्यों न आना पड़े यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घिसट घिसट के ही आना पड़े तो भी आए लेकिन आए जरूर क्यों इसलिए कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है रसुल्ला ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के जिम्मे में है अल्लाह की हिफाजत में है अल्लाह के जिम्मे हो गया बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मुतालबा न करे क्या मतलब है इसका यानी जो अल्लाह के जिम्मे है उस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाब दे हो इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा मुतालबा करेगा यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा इससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है किसी को हक नहीं कि उस पर झुल्म और ज्यादा करे जो उस शख्स पर ज्यादा करेगा जो फजर पड़ता है तो वो दरअसल उस जिम्मे में खयानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है और फिर क्यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा यानी फजर पढ़ने वाले की इज्जत और एहतराम लाजिम है क्योंकि सिर्फ मोमिन ही इसकी पाबंदी करता है बहुत से लोगों के लिए फजर की नमाज बड़ी भारी होती है वो एक खास वक्त से पहले नहीं उठते कुछ लोगों की अक्सर ही कजा हो जाती है वो क्योंकि देर से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते तो उनकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे पे नहीं है तो इसलिए बहुत ही फिक्र करनी चाहिए कि फजर की नमाज खजाना हो या नहीं कि बाकी कर ले नहीं क्योंकि बाकी तो फिर हम जाग ही रहे होते हैं ना तो आजान भी सुनाई दे देती है और वक्त भी पता चल रहा होता है और दूसरों को भी हम देखते हैं पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं लेकिन फजर की चूंकि एक जिम्मेदारी होती है उठने की भी और फिर वक्त पर उठने की और फिर मस्जिद में जाने की तो इस लिहाज से इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है और फजर पढ़ने वाला शाम तक की हिफाजत में होता है इसमें पोते ये हजाज के पास बैठे हुए थे हजाज के बारे में सब जानते हैं कि बहुत जुल्म करता था तो हजाज ने उनसे कहा उठो और फला आदमी की गर्दन मार दो तो सालिम ने तलवार उठा ली क्योंकि उसका हुक्म था मारने का और उस आदमी को पकड़ा और महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ा तो उनके वाले इबन उमर ने उनको देख लिया जब वो उस आदमी को बाहर लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये वाकई ऐसा करने जा रहा है उन्होंने दो तीन बार ये बात दोहराई फिर बाहर लाकर सालिम ने उससे पूछा क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है यानी जिसको मारने का हुक्म था कहा तुमने फजर की नमाज पढ़ी है उसने कहा हाँ सालिम ने कहा फिर तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो चले जाओ और वो वापस आया और तलवार फेंक दी जाज ने उनसे पूछा क्या तुमने उसकी गर्दन उड़ा दी उन्होंने जवाब दिया नहीं हजाज ने पूछा क्यूँ सालिम ने जवाब दिया मैंने अपने वालिद को यह कहते हुए सुना है कि रसूल फरमाया जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है यहां तक कि शाम हो जाए तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि समझदार रहो मैंने तुम्हारा नाम इसीलिए सालिम रखा कि तुम सलामत रहो यानी अल्लाह के जिम्मे के अंदर ख्यानत न करो तो बहरहाल इससे यह पता चलता है कि इंसान से बड़े बड़े हादसे बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं जब वो फजर की नमाज की हिफाजत करता है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के मोबाइल पर अलार्म होता है और मोबाइल हर शख्स के सराहाने होता है तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह नहीं उठ पाया एक नहीं दो तीन अलार्म लगा लें पांच पांच मिनट के वक्फे पे रख लें उसको क्योंकि जो शख्स ये दो नमाजें पढ़ेगा बुखारी में आता है वो जन्नत में दाखिल होगा एक और रिवायत में आता है वो आदमी हरगिज दो जख्म में नहीं जाएगा जिसने सूरज निकलने से पहले और सूरज के गरूब होने से पहले नमाज पढ़ी यानी फजर और असर की और फिर आपने फरमाया इन नमाजों में सुस्ती ना करो अगर तुम अल्लाह का दीदार करना चाहते हो इस तरह के जैसे तुम चौदह के चांद को देखते हो और तुम्हें कोई धक्कम पेल का भी वास्ता नहीं पड़ेगा यानी जो इन नमाजों की हिफाजत करता है वो अल्लाह के दीदार के काबिल होगा और फिर बात लोग रात क्याम करते रहते हैं आखिर से में सो के फजर कजा कर देते हैं क्या है तो के लिए उठे थे वो आंख नहीं फिर कुली फजर के लिए तो ये नहीं होना चाहिए उमर रजियाल्ला कहते हैं मैं सुबह की नमाज बाद जमात ये मुझे इससे ज्यादा महबूब है कि मैं सारी रात क्याम करूं सारी रात के नमाज से ज्यादा महबूब है कि फजर की नमाज जमात के साथ हाँ मुनाफिक पर फजर की नमाज भारी होती है तो मुनाफिक से निकलने के लिए निफाक से निकलने के लिए इस नमाज की पाबंदी जरूरी है, उबई कहते है एक रोज़ रसूल ने हमें सुबह की नमाज पढ़ाई इसके बाद फरमाया क्या फलाह हाजिर है लोगों ने कहा नहीं आपने पूछा क्या फलाह आया है लोगों ने कहा नहीं आपने फरमाया बिला शुबा ये दो नमाजें मुनाफिकों पर सबसे भारी है सब नमाजों से ज्यादा भारी यानी फजर और इशा और अगर तुम्हें मालूम हो कि इनमें तो तुम इनमें घुटनों के बल ही क्यों न आना पड़े तो इसलिए खुद भी और अपने घर वालों को भी अपने बच्चों को भी इसका पाबंद करें। करे सुबह अशद्ला